हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आपने अभी देखा हमारा काइन मास्टर कितने प्यार से हमारे पीसी में चल रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पीसी में काइन मास्टर को चलाना चाहते हो और आपका पीसी या फिर आपका लैपटॉप लो एंड का पीसी है, तो फ्रेंड्स आप अपने लैपटॉप में या पीसी में बड़े ही प्यार से अपने काइन मास्टर को चला सकते हो और एडिटिंग जो कुछ करना आपको, आप सब कुछ उस पर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप अपने पीसी में चलाना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आपका काइन मास्टर ना चले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा, वो आता है, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो काइन मास्टर है ये हमारा जो है सिस्टम के लिए भी काइन मास्टर वालों ने नहीं बनाया है। तो इसको चलाने के लिए हमें एक छोटी सी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है MSI ऐप प्लेयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, MSI ऐप प्लेयर को अपने PC में डाल लेना है। जब हम यहाँ पे गूगल पर जाएंगे तो आपको जो है अपने ऐप गूगल पर MSI ऐप प्लेयर लिखना है। जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एक नई विंडो खुल के आएगी, आपको कर लेना है इसको डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आपको कहाँ पे करना है, जहाँ पर भी आपके PC में अच्छी खासी स्पेस हो आप वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने डेस्कटॉप पर कर लिया है क्योंकि छोटी सी फाइल थी, इसलिए मैंने इसको कर लिया है। जहाँ पर आपका मन करा वहाँ पर कर सकते हो। मैं भी इसको कर देता हूँ कैंसिल। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो हमारा डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो गया है। इसको आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपका एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है फोल्डर को। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये ब्लू स्टैक का इंस्टॉलर ऑप्शन आ जाएगा। आपको कर लेना है इसको इंस्टॉल या फिर रन एज एडमिन। जब आप इसको इंस्टॉल करने के लिए ओपन करोगे या डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो आपकी एक विंडो खुलकर आ जाएगी सामने। आपको सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वेट करना। थोड़े आपके सिस्टम के और इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। मेरे लगे थे 10 मिनट, आपके हो सकता है 5 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है आपका 15 मिनट में हो जाए और हो सकता है 20 मिनट में हो जाए, लेकिन होगा सबका। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फिर इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट भी लग सकते हैं और 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो भी आपके PC की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका PC कितना फास्ट है। तो फ्रेंड्स, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका इंस्टॉल होने के बाद में डेस्कटॉप पर आपके कुछ ऐसे फोल्डर बन जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2-3 फोल्डर। जब आपके ये फोल्डर बन जाएंगे तो यहाँ पे एक होगा आपका MSI ऐप प्लेयर का शॉर्टकट होगा। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। जब आप इसको पहली बार स्टार्ट करोगे तो आपका हो सकता है थोड़ा टाइम ले, क्योंकि मैंने एक बार इसको स्टार्ट कर लिया था इसलिए मेरा बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है। आपका हो सकता है थोड़ा टाइम ले। जब आप इसको स्टार्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है ताकि ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से चल सके। तो उन सेटिंग को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं मेन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जब आप जाओगे तो आपकी जो सबसे पहली सेटिंग है वो है हमारी, इसमें जो है इसमें कुछ रिजोल्यूशन दे रखे हैं, आप इसको कर देना 1280x720। बाकी और कोई चेंज नहीं करना है इसमें। फिर आप जब इसको सेव करोगे तो ये रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको रीस्टार्ट कर देना। जब आप इसको रीस्टार्ट कर दोगे फिर आपको जाना है दोबारा इसकी सेटिंग में जाना है दोबारा से। जब इसकी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर इंजन का ऑप्शन आएगा। इंजन में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है ज़्यादा, आप इसको ऐसे रहने देना। बस नीचे आके आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर आपका i3 का प्रोसेसर है तो इसको 2 कोर्स रखना, अगर आपका i3 से ऊपर का है तो आप इसको 4 कोर पर सेट कर सकते हो, अगर आपका i3 से नीचे का है तो इसको लो 1 कोर पर सेट कर देना। आपको दूसरी चीज़ बता दूँ, आपको रैम कितनी रखनी है, अगर आपके PC में 4 GB रैम है तो इसको 3 GB पर सेट कर देना। मेरे PC में 6 GB है इसलिए मैंने इसको 3 पर सेट कर दिया है। अगर आपके PC में 3 GB लगी हुई है तो आप इसको 2 पर सेट कर देना। जितनी आपके PC में रैम हो उससे कुछ कम करके इसको सेट कर देना। फिर इसको कर देना आप सेव। जब आप इसको सेव करोगे तो रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेना। सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना है, आपको इस ऐप को रिस्टार्ट करना है फ्रेंड। फिर आपको दोबारा जाना है, तीसरी बार जाना है, इसको सेटिंग में जाना है। जब आप इसकी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आ रहा होगा,
जब आप इसके एडवांस में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा चूज ए प्रीफर्ड प्री डिफाइंड प्रोफाइल। आपको प्री डिफाइंड प्रोफाइल में सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस को सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। जब आप इसको सेव करोगे तो ये फिर से रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी इसकी कुछ सेटिंग। इन सेटिंग हो ये हमने किस लिए करी है, क्योंकि ताकि हमारा जो लैप ये जो MSI ऐप प्लेयर है ये आपका लो एंड PC में भी बड़े प्यार से स्मूथली चल सके। आरा आपका PC ऑलरेडी बहुत हाई फाई है, i7 या i5 है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन अगर आपका लो एंड का PC है तो आप इसको चेंज कर लेना। तो फ्रेंड्स अब नंबर आता है हमारा ये जो हमारा काइन मास्टर है इसको इंस्टॉल करने का। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, काइन मास्टर को इंस्टॉल करने से पहले हमें काइन मास्टर का एक APK फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमको कहाँ मिलेगी, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है अपनी डी ड्राइव में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये हमारी जो काइन मास्टर की ऐप है वो हमने यहाँ पे डाल रखी है। अगर आपको काइन मास्टर की ऐप चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आप उसको जैसे डाउनलोड करोगे तो आपको उसको कहीं में डाउनलोड कर लेना। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी ऐप को ओपन करना है और अपनी फाइल की लोकेशन को ओपन करना है और इसको पकड़ कर अपनी ऐप के अंदर ला के छोड़ देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर छोड़ोगे तो आपका जो काइन मास्टर है वो आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा। जैसे आपको हो सकता है 2 मिनट ले ले, हो सकता है 5 मिनट ले ले, हो सकता है 3 मिनट ले ले, मेरा तो मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे और इंस्टॉल हो गया, क्योंकि मेरा i3 का ये CPU है और इसमें जल्दी हो गया थोड़ा सा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है करना तो यहाँ पर आप इधर राइट साइड में देख रहे होगे यहाँ पर एक APK का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर APK पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऑप्शन पूछेगा कि आपकी APK फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, हमारी डी ड्राइव में पड़ी हुई थी और हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो आपकी वो वैसे भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा काइन मास्टर इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको करते हैं रन। आप इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इसको रन करोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हैंग कर जाए आपका, क्योंकि हो सकता है आपका PC लो हो, तो आप इसकी परमिशंस को अलाउ कर देना थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए हमारा ये स्टार्ट हो गया है, आपको थोड़ा प्यार प्यार से करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा, हो सकता है वरना आपका हैंग हो जाए, क्योंकि आपका हो सकता है PC 2 GB रैम वाला हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। अगर इन केस आपका हैंग होता है तो आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाकर इसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे यहाँ से आप दोबारा इसको रिस्टार्ट कर लेना, आपका दोबारा बड़े प्यार से चल जाएगा। तो आपको हमको इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए हमारा जो काइन मास्टर है वो स्टार्ट हो गया है। अब ये देखिए हमारा काइन मास्टर चल गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोजेक्ट इस पर रेडी भी किया था और मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने नया प्रोजेक्ट बना लिया, हमने यहाँ पे फाइल ले ली है और जो है हमारा ये खुल गया। देखिए हमारा प्रोजेक्ट बड़े प्यार से। अब आप मेरे को इसमें एक चीज़ बहुत प्यार से जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर जो मीडिया का ऑप्शन है वो यहाँ पर, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। जिन किसी का भी छोटा मोटा कोई एरर होगा या कोई डाउट होगा आप उस वीडियो को देख लेना, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपकी वो वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको सारी सेटिंग समझा दूंगा कि आप काइन मास्टर को इसमें कैसे चला सकते हो बड़े प्यार से। आपको लास्ट में वीडियो के कार्ड भी आ जाएगा और आपको लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन आ जाएगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख लेना, आपको सारी सेटिंग समझा दूंगा कि आप कैसे कैसे इसके अंदर वीडियोज या फिर फोटोज डाल सकते हो। बाकी इसके अंदर ऑलरेडी कुछ फोटोज़ और बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने एक ये यूज़ कर लिया है, एक ये यूज़ कर लिया, एक ये यूज़ कर लिया है और हमारी टाइमलाइन जो है वो तैयार हो गई। ये देखिए बड़े प्यार से हमारा स्मूथली रन हो रहा है और आप इसमें एडिटिंग वगैरह जो करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए हमारी एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है। ये देखिए क्रॉप कर दिया हमने, ट्रिम लेफ्ट कर दिया, जो आप चाहो वो यहाँ इसमें कर सकते हो। बड़े प्यार से एडिटिंग आपकी इसमें जो है वो हो जाएगी, तो आपका जो काइन मास्टर है वो बड़े ही प्यार से इसमें चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बाकी इस वीडियो में ऐसा कुछ बचा नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई कमेंट रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका जो है वो कमेंट आपके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर दे दूंगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।